जानेंगे दिल्ली क्या है। दोस्तों, दिल्ली कभी मुगल काल में शाहजहाँ की टाइम पे सालिमाबाद नगर हुआ करता था और सालिमाबाद की एक राजधानी थी दिल्ली, जहाँ पर लाल किला बसता था। यह मुस्लिम नगरों में से एक प्रसिद्ध नगर था। दिल्ली पर जो लाल किला है, जो प्रसिद्ध है, इसको मुगल शासक शाहजहाँ ने बनवाया था। इसका निर्माण 1639 से लेकर 1648 के बीच लगभग 10 साल के अंतराल में हुआ है। ये 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और दिल्ली का लाल किला का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली रहा है। आज़ादी से पहले या मुगल शासक रहा करते थे, जो लास्ट मुगल रूलर, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकंड के टाइम तक मुगलों के अधीन रहा है। लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें मुगल शासक बहादुर शाह जफर को उस क्रांति का नेता बना दिया गया था। और उस क्रांति के बाद उनको लंगून, वर्तमान में लंगून म्यांमार में आता है, म्यांमार की राजधानी है, वहाँ पर भेज दिया गया था और वहीं पर उनका निधन हो गया था। उसके बाद से ये जो पूरा दिल्ली का लाल किला है, आलिशान, इसको अंग्रेज सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया था। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये भारत सरकार के अधीन है। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके जो प्रचिन्ह द्वार है, जिसको लाहौरी गेट के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से पहली बार तिरंगा लहराया था। और तब से लेकर आज तक हर बार हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो गेट है यहाँ पर, वहाँ से तिरंगा हमारे प्रधानमंत्री लहराते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। इसका एक और इतिहास ये है कि ये अत्यंत वैभवशाली और खूबसूरत नगर है, लेकिन इस पर कई आक्रमण भी हुए हैं। पहला आक्रमण 1748 के आसपास हेमद शाह अब्दाली, जो फॉरेनर था, उसने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में बहुत बड़ी लूट मचाई और दिल्ली के से सोना चांदी धन दौलत लूटकर वो यहाँ से चला गया। उसके बाद दिल्ली को अनस्टेबल करने पे मराठा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही जो दिल्ली थी वो अनस्टेबल होने लगी। मुगल सल्तनत जो थी, मुगल शासन जो था, वो डगमगाने लगा और औरंगजेब की बात की जितनी भी उनके वंशज आए, वो दिल्ली पर एक कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए। इसी कारण थे दिल्ली का लाल किला बहुत पुराना है। और यहाँ की प्रमुख बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वो हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ से तिरंगा लहराते हैं और देश के लोगों को संबोधित करते हैं। यह हर साल देश और विदेश के लाखों पर्यटक यह घूमने आते हैं। दर्शन का इस भव्य इमारत जो है लाल किला, इसका साक्षी बनते हैं। इसको लाल किला क्यों कहा जाता है? इसको लाल किला इसलिए कहा जाता है कि जिसमें लगे हुए जो पत्थर है वो सब लाल पत्थर है, और लाल बलुआ पत्थर होने के कारण इसको लाल किला कहा जाता है। तो शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ को ताजमहल के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। एक लाल किला आगरा में भी है, लेकिन ये लाल किला देश की राजधानी का है, जो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसको शाहजहाँ ने सलीमाबाद की राजधानी के रूप में बसाया था। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध महल है, जिसको मुमताज महल भी कहा जाता है, जो शाहजहाँ की जो रानी थी, जो जिनका नाम के नाम पर उन्होंने एक महल भी यहाँ पर बनाया था। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, इसकी महत्वपूर्ण, जो हमारे सभी जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की बच्चे, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि 2007 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया है। और ये हमारे लिए, भारत के लिए, बहुत गौरव की बात है। इसका भी वर्तमान में जो मेंटेन है, देख रेख है, और भारत सरकार करती है। और कुछ समय पूर्व उसको डाल में जो ग्रुप है भारत का, उसको दे दिया गया है प्राइवेट हाथों में, जो उसकी देख रेख करता है। एक और ख़ास बात इस किले की यह है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने 1947 में 15 अगस्त के दिन यहाँ से लाल किला की जो प्राचीर है, जो लाहौरी गेट पर स्थित है, वहाँ से तिरंगा लहराते हुए देश को संबोधन किया था। उसके बाद से निरंतर देश के सभी प्रधानमंत्री, आखिरी प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त हाल ही में कुछ दिन पूर्व निकला है, इस किले से संबोधित करते हुए देश को संबोधित करते हैं। और देश के लाखों लोग उस प्रोग्राम को देखते हैं और सलामी परेड सलामी देती है। देश के लोग उसको देखते हैं, उस खूबसूरती का इजहार करते हैं, और देश के लोग इंतजार होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन करें और तिरंगे को लहराए। क्योंकि यहाँ पर जब तिरंगा लहराता है तो लोगों के मन में एक नया उत्साह, नई उमंग होती है। इसी किले के ऊपर देश की वायुसेना, थल सेना और हमारी जो तीनों सेना है, वो अपना परचम लहराती है और देश दुनिया को भारतीय शक्ति का आह्वान कराती है। और आप हमारे साथ ऐसे ही बनी रहिए देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाते हैं ग्रामीण चहल पहल पत्रिका के संपादक और हमारे बीच में एक दर्शक
जरी ठाकुर भोपाल से इस किले में भ्रमण करने आए हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस किले के बारे में उन्होंने क्या देखा है, कैसा उनका अनुभव रहा है। तो हम आप सबसे पहले बात करते हैं, चलते हैं प्रेम कुमार विद्यार्थी जी की ओर। विद्यार्थी जी, आपका हमारे बीच स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? नमस्कार। मैं संदेश इसलिए देना चाह रहा हूँ, ग्रामीण चहल पहल, चूँकि कल तक ग्रामीण खबरों पर ही फोकस करती थी, आज हम लोग लाल किले से हम लोग ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम देश दुनिया के बारे में भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है हमसे संपर्क करके यह बताया कि आप इंफॉर्मेशन के तौर पर जो UPSC IAS जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ग्रामीण खबरें ही नहीं, देश दुनिया की भी खबरें की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और जो UPSC लेवल के जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण जितने भी बोली हैं, भाषाएं हैं और जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, धरातल पे कौन कौन सी योजना चल रही है, उन लोगों को पढ़ना पड़ता है और काफ़ी इन्फॉर्मेटरी होता है। इसलिए ग्रामीण चहल पहल जो बीच बीच में उन लोगों के बीच में परोस रही है, नए नए मटेरियल, नई नई जो चीज़ें होती है, ग्रामीण समस्याएँ होती है, ग्रामीण बोली चाली, रहन सहन, भाषा, तो उनके बारे में कर रही थी। तो हम लोग इतिहास के बारे में भी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और आशा है कि लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा। जैसे कि विद्यार्थी जी ने बताया कि हम ग्रामीण पत्रकारिता से आगे बढ़ते हुए आजकल हम देश की ऐतिहासिक धरोहर की ओर भी बढ़ रहे हैं और देश के युवाओं को जो सिविल सर्विस की खास तौर से तैयारी कर रहे हैं उनको देश के इतिहास से जोड़ना चाहते हैं। यही नहीं कि हम लोग एक अभियान भी चला रखा है, आओ करें ग्रामीण पत्रकारिता, ग्रामीण युवा जो ग्रामीण समस्या से लेकर जो हमारे पास जो ला देते हैं वो रखना चाहते हैं, खुलकर यहाँ पे अपनी बात को रखते हैं और उस पर हम लोग समस्या का समाधान भी कराने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर आजकल हमारे भारत की जो मीडिया है वो चकाचौंध पर है और पैसों के खातिर दौड़ने भागती नजर आती है, ग्लैमर की ओर दौड़ती है जी। हमें ज़रूरत है ग्रामीण तक जाने की, गांव की जो हमारे देश की नींव है, क्योंकि भारत गांव में बसता है और उसकी आवाज़ उठाना निश्चित तौर पर आपके लिए सराहनीय पहल है। तामझाम नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ग्रामीण समस्याओं को हम फोकस करें और आम लोगों की समस्या को हम सरकार तक पहुँचाएँ और उनके कानों तक पहुँचाएँ, जिससे यहाँ की समस्याएँ दूर हो सके। निश्चित तौर पर हमारे बीच में एक दर्शक और हमें मिले हैं यहाँ पर, जिनका नाम जरी ठाकुर है, बता रहा है वो BJP के कार्यकर्ता है, भोपाल से इस किले का भ्रमण करने आए हैं लाल किले का। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लाल किले में जो व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, जितनी सुविधाएं है, क्या वो सफिशेंट है लोगों के लिए और सुविधा करने की ज़रूरत है? पहला सवाल हमारा संक्षेप में जानना चाहेंगे। जी, सभी दर्शकों को प्रणाम। जैसे कि आपने जैसे सर मुझे बताया है कि यहाँ पर जो लाल किला है यहाँ की दर्शकों के लिए व्यवस्था कैसे होना चाहिए, क्योंकि एक सांस्कृतिक एक पर्यटन है और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पर्यटन है ये, क्योंकि ये वो पर्यटन है जहाँ से देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से झंडा फहराकर झंडा वंदन किया था और जहाँ से हमारे देश को संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट विदेश और देश दुनिया के आते हैं। जैसी व्यवस्थित सरकार को देना चाहिए वैसी व्यवस्थित शायद है नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देश का सबसे बड़ा किला है और यहाँ पर व्यवस्थित उसी हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, तो हमने जाना, काफ़ी लोगों से बातचीत की है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।